तो देखो अभी ये चार हम प्रोग्राम कर लेते हैं, चार पांच प्रोग्राम जो जुड़े हुए हैं। क्या चीज़ है देखो, कोई भी प्रोग्राम का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, कैसे किस नंबर को रिवर्स करेंगे। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? पैलिंड्रोम नंबर वो होता है जो रिवर्स और वो नंबर सेम हो तो पैलिंड्रोम बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजिट का मतलब क्या है कि जैसे कोई हमने अगर नंबर डाला 53533, राइट, तो इसमें 5 2 बार आ रहा है, 3 3 टाइम आ रहा है, ऐसे आंसर आना चाहिए, ठीक है। सम ऑफ डिजिट में अगर यही नंबर सम ऑफ डिजिट में डाला तो क्या आएगा, इन सब का सम 5 + 3 + 5 + 3 + 3, ठीक है। अब ये नंबर डक है या नहीं, यस इट इज़, नो इट इज़ नॉट अ डक नंबर। क्यों? डक नंबर क्या होता है, जिसमें अगर नंबर में 0 आए तो डक, ठीक है। तो पैलिंड्रोम क्या होगा 53533 का, ये होगा 33535, तो ये रिवर्स भी यही होगा, ठीक है। तो अब रिवर्स ये है, लेकिन ये पैलिंड्रोम ये हुआ तो मतलब ये नॉट पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम का रूल ये है कि वो दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर 53535, इसका रिवर्स क्या होगा 53535, तो इसको बोलेंगे यस इट इज पैलिंड्रोम, ठीक है। जो लेफ्ट और राइट दोनों से कहीं से भी पढ़ो सेम पढ़ाई देता है, ठीक है। तो ये पांचों प्रोग्राम देखते हैं, सब सेम है, रिलेटेड है लॉजिकली, ठीक है। पहले नंबर रिवर्स क्या होता है, कैसे होता है, इसके कंसेप्ट को समझते हैं। देखो जैसे कि जब पर हम एक कंसेप्ट लेते हैं कि जब तक नंबर इक्वल टू 0 नहीं हो जाता तब तक लूप चलना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं नंबर लिखता हूँ 53535, ठीक है, तो इसमें से टेम्प्ररी वेरिएबल लेंगे, इसका काम हो गया नंबर यूज़ करके इसका मॉडुलस 10 करेंगे, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर निकालेंगे तो 5 आएगा। अब रिवर्स एक वेरिएबल होगा जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 होगी, तो रिवर्स का काम है रिवर्स इंटू 10 करो प्लस टेम्प ऐड करो, ये फार्मूला इसमें यूज़ होगी, ठीक है। तो रिवर्स क्या है, रिवर्स इंटू 10, यहाँ इनिशियली 0 है तो 0 × 10 यानी 0, 0 + 10 यानी ये हो जाएगा 5, इनिशियली 5 हो गया आपका ये, ठीक है, क्योंकि 0 है। उसके बाद में एन क्या होगा, एन इज एन डिवाइड बाई 10, अगर क्योंकि इंटीजर है तो 53535 का क्या होगा 5353 हो जाएगा। अब ये नंबर 0 नहीं है तो फिर से लूप चलाओ, अब इसका क्या करोगे, इसका रिमाइंडर आएगा 3, अब ये हो गया 5, 5 × 10 यानी दिस इंटू 10 प्लस दिस नंबर हो जाएगा 53। अब क्या करोगे, इसका बचेगा आपका 535, अभी 535 अभी फिर से 0 नहीं है, इसका रिमाइंडर आएगा 5, ठीक है। अब ये 530 प्लस ये हो जाएगा 10 यानी 530 प्लस 5 535, और यह रिमाइंडर बचेगा 5 53 53, अभी भी 0 नहीं है, रिमाइंडर आएगा 3, ये हो जाएगा 5350 + 3 5353, ये आएगा 5, तो ये रिमाइंडर 5 आया, फिर ये 5 आएगा, ये 5353 × 10 यानी 5353 0 + 5, राइट, ये वही नंबर आ गया, ये 0, जैसे ही 0 आ गया तो ये लूप से बाहर आ गए। अब ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, इसको पैलिंड्रोम भी बोलेंगे और रिवर्स भी बोलेंगे। अब इन सब का सम करो, आप इन सब का सम करो तो आता है भाई सब सम ऑफ डिजिट इज 19, और कहीं चेक करो कहीं 0 है क्या, अगर 0 है इनमें कहीं भी, अगर 0 है तो डक नंबर, नहीं है तो नॉट डक नंबर, ये सारे रिलेटेड है। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं। कोई भी हम नंबर इनपुट करने के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं इंटीजर एन, ठीक है, अब टेम्पररी लेंगे और फिर क्या लेंगे, रिवर्स लेंगे, इनिशियली 0 लूँगा मैं, और क्योंकि यहाँ एन 0 हो जाता है, एन यहाँ 0 हो जाता है, तो कंपेरिजन के लिए मुझे सपोर्टिंग वेरिएबल चाहिए। कंपेयर कैसे करूँगा, राइट, इधर सपोर्टिंग लूँगा एक्स, अब यहाँ पर ले लेता हूँ प्रिंट एफ, एंटर एनी नंबर, अब नंबर ले लिया आपने स्कैन ऐप से, ठीक है, ये एन में डाल दिया क्योंकि एन 0 हो जाएगा, इसलिए 0 होने से पहले उसकी कॉपी कर लो और यहाँ लिखो फाइल एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब तक 0 नहीं होता तब तक लूप में चलते रहो, स्टार्ट वैल्यू यहाँ से मिलेगी एन की, ये 0 नहीं होनी चाहिए, जब तक 0 नहीं है लूप में जाएगा, लूप से बाहर कब निकलेगा जब 0 हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप कंडीशन आ गया, स्टार्ट वैल्यू आ गई, स्टॉप ही देखते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, टेम्प्ररी इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10, तो रिमाइंडर आ जाएगा जो मैंने अभी बताया, ये रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आर का ये फार्मूला, फिर ये एन डिवाइड, तो ये दोनों लिखेंगे आर इज इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस टेम्प, और फिर एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10, ये आ गया अपडेट ऑफ लूप, बस ये लूप चलता रहेगा जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, 0 नहीं हो जाता लूप बाहर आ जाएगा। अब जैसे ही बाहर आया हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ रिवर्स नंबर इज परसेंटेज डी, रिवर्स नंबर किसमें, आर में स्टोर कराया, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं कि कोई भी एक नंबर डालते हैं उसका रिवर्स नंबर है कि नहीं, सही 53511, तो आना क्या आना चाहिए 11535, देखो 11535 नंबर रिवर्स हो गया।
अब ये दोबारा चेक करते हैं, ठीक है। अब दोबारा चेक करके कैसे करेंगे कि जब इसका नंबर सेम होगा, जैसे 1 2 3 2 1, अब ये दोनों तरफ सेम है तो ये चेक भी करेंगे कि पैलिंड्रोम है क्या नहीं, ये रिवर्स का हो गया। अब पैलिंड्रोम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ रिवर्स मिल गया तो क्या लिखेंगे, इफ़ रिवर्स इक्वल टू एक्स, दोनों अगर सेम है तो क्या लिखेंगे, इट इज़ अ पैलिंड्रोम। वैसे एक ही स्टेटमेंट है तो आप बिना उसके भी लिख सकते हैं, और एल्स प्रिंट एफ इट इज़ नॉट एन नॉट अ पैलिंड्रोम। देखो 1 2 3 4 5 आप एक नंबर इनपुट कर रहे हैं, रिवर्स आया 5 4, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। अब दोबारा चेक करके देख लेते हैं, 1 2 3 2 1, देखो रिवर्स इज दिस एंड इट इज़ अ पैलिंड्रोम। अब क्या रहा, सम ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का सम करना है तो मैं यहाँ एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, एस डी इज इक्वल टू 0, सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 0। तो जो डिजिट आया, डिजिट किस में आ रहा है, एक एक डिजिट किस में निकल रहा है, देखो ध्यान से, ये एक एक डिजिट निकल रहा है तो किस में स्टोर रहा है, टी में। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ डिजिट प्लस इक्वल्स टू टी, हो गया सम ऑफ डिजिट्स आ गया, ठीक है। यहाँ प्रिंट आउट कर सकते हो, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर ऑफ एंटर्ड नंबर इज परसेंटेज डी स्लैश एन, एस डी दे दो यहाँ पे, प्रिंट कर दो। अब कंपाइल करो, रन करके देख करो, सपोज अगर आपने नंबर डाला 1 2 3 4 5 तो इसका रिवर्स भी आ जाएगा, पैलिंड्रोम भी आ जाएगा, टोटल सम भी हो जाएगा 15। देखो सम ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का सम आ गया 15, सम ऑफ डिजिट भी हो गया, देखो रिवर्स हो गया, पैलिंड्रोम हो गया। फ्रीक्वेंसी चेक कर लेते हैं, सम ऑफ डिजिट हो गया, नंबर इज डक और नॉट। अच्छा नंबर डक कैसे करेंगे, यहाँ पे एक सपोर्टिंग वेरिएबल देंगे फ्लैग, ठीक है, फ्लैग ले लिया। अब यहाँ क्या करेंगे, इफ चेक करते जाओ, अगर ये नंबर 0 है तो क्या है, अगर टी इक्वल टू 0 है, ठीक है, यहाँ से नीचे यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर टी 0 0 है तो क्या करो, सिंपली फ्लैग को प्लस प्लस करो, ख़त्म, फ्लैग की वैल्यू खाली बढ़ाओ, ठीक है। अब क्या लिखोगे बाहर, कि अगर फ्लैग रिमेन्स 0 है, मतलब फ्लैग बड़ा ही नहीं है तो मतलब उसमें 0 नहीं है, और अगर फ्लैग इफ फ्लैग लिख दिया मतलब वो 0 से ज़्यादा है। तो अगर आप लिखते हो ऐसे फ्लैग तो आप सिंपली लिख सकते हो प्रिंट एफ इट इज़ अ डक नंबर, क्योंकि इसमें 0 आएगा इसलिए वो डक नंबर है, अदरवाइज आप प्रिंट कर सकते हो इट इज नॉट अ डक नंबर। सेव करो, कंपाइल करो, चेक करो। अब चेक करो, यहाँ पे नंबर नहीं डाल रहा हूँ मैं, ये नंबर डाल रहा हूँ 1 2 6 5 4, तो इसमें देखो 0 है ही नहीं कहीं भी, ये पैलिंड्रोम भी नहीं है तो बता रहा है रिवर्स नंबर, ये पैलिंड्रोम भी नहीं है, और सम भी बता रहा है और नॉट अ डक भी बता रहा है। अच्छा अभी डक वाला नंबर डाल के चेक करते हैं, राइट 1 2 5 0 6, देखो इट इज़ अ डक नंबर, राइट ये भी चीज़ आ गई, टोटल भी आ गया सब। अब क्या रहा, सम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस, और कुछ नहीं, क्या करना है, इंटीजर सारे के लिए डिक्लेयर करेंगे, 0 1 2 जितने भी डिजिट्स हैं उन सब के लिए आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 एंड सो ऑन, सारे डिक्लेयर हो गए ना, और टोटल नंबर, ठीक है इतना भी चलेगा। अब इन सब को कह सकते हो वैसे n0 इज इक्वल टू n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n3 इज इक्वल टू n4 इज इक्वल टू n5, इनिशियल वैल्यू देनी है सबकी, वैसे इसमें देने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन आप टर्बो यूज़ करोगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, हम सबकी 0 वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो है ये टी आया, इसका स्विच बना लो, स्विच ऑफ टी, केस अगर 0 है यानी रिमाइंडर अगर 0 आया तो नंबर 0 प्लस प्लस कर दो और ब्रेक कर दो, बस इस तरह से पूरा सारा वो कर दोगे, 0 हो गया सब डिजिट्स के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस सबके वैल्यूज बढ़ा दो, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9। अब आप हो गए, सारे फ्रीक्वेंसी कवर हो गई, काउंट हो गई, सबके फ्रीक्वेंसी काउंट हो गई। अब आपको खाली प्रिंट कराना है, प्रिंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच डिजिट, ठीक है। ये आपने एरे नहीं सीखा इसलिए इस तरह कर रहे हैं, एरे में ये प्रोग्राम और आसान होता है,
तो यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट है ज़ीरो अपीयर्स परसेंटेज डी टाइम्स, ठीक है, कॉमा एन ज़ीरो। अच्छा इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ज़ीरो अपीयर्स इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो ये हुआ 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एंड सो नॉट रिक्वायर्ड दिस यहाँ पे, एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8 एंड 9। अब कंपाइल करके रन करो, चेक करके देखो क्या आ रहा है। मैं लिख रहा हूँ 5 5 5 5, 4 बार 5, देखो सिर्फ 5 में आ रहा है 4 टाइम्स, ठीक है। और ये देखो क्या आ रहा है कि नंबर पैलिंड्रोम भी है, सम ऑफ डिजिट्स 20 आया, इट इज़ नॉट अ डक नंबर भी आया, फ्रिक्वेंसी देखो। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ 0 नहीं चाहिए, जो 0 0 है वो क्यों चाहिए, जो है वही चाहिए। तो आप सिंपली इसके आगे जोड़ सकते हो सीधा, इफ एन ज़ीरो इज ग्रेटर देन 0, ऐसे ही इसके लिए भी लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस ये 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और कंपाइल करो, रन करो, ठीक है। अब यहाँ पे आप नंबर डाल के देखो, खाली वही प्रिंट होंगे 1 2 3 1 2 3, देखो क्या आया, 1 अपीयर 2 टाइम 2 अपीयर 2 टाइम 3 अपीयर 2 टाइम्स, बाकी सब भी आ रहा है, बाकी सब प्रिंट नहीं होंगे। तो ये एक ही छोटे से प्रोग्राम में मैंने सारी चीज़ें बताई, कितने प्रोग्राम बताए, ये सारे प्रोग्राम लिंक हो रहे हैं इससे नंबर रिवर्स करें, क्योंकि यहाँ हम नंबर डिजिट तोड़ रहे हैं। हम इसमें बहुत सारे भाई, इसको इसमें से एक और प्रोग्राम भी हो सकता है कि भाई रिमूव ऑल जीरोस, राइट, एंड प्रिंट द नंबर। अब एग्जाम्पल ऐसा है कि एग्जाम्पल है 1 0 2 4 0 5, ऐसे आया, ठीक है। तो ये आंसर क्या देना चाहिए, 1 2 4 5 हो जाना चाहिए, सारे ज़ीरो निकल जाए। ये भी इसी कंसेप्ट पे आएगा, इसी लॉजिक पे आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स विदाउट जीरो, तो इनका प्रोडक्ट हो सकता है कि 1 × 2 × 4 × 5, 0 आए तो प्रोडक्ट नहीं करना है, ये खुद ट्राई करो। ये सब हिंट है इसी प्रोग्राम से, जो मैंने बताया ना, इसी तरह से होने वाले हैं, सिंपल है, सारे के सारे एक ही लॉजिक से हैं। इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें हम कर सकते हैं, राइट। देखो इसमें लूप भी आ गया, स्विच भी आ गया, इफ भी आ गया, सब कुछ आ गया। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। अभी कोई सवाल है इसमें, तो ये प्रैक्टिस करो।